हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो हम यहाँ पे सभी इकट्ठे होकर के ताए ससुर जी के यहाँ पे आए हैं खेत में, जो पशुओं के गोबर की खाद होती है वो डलवाने। तो गांव के लोग भी आए हैं और देखिए कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आजकल के टाइम में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, जैसे अपना अपना काम करते हैं सभी और अपने तक ही सीमित है। पर हमारे गांव में अभी भी यह परंपरा जिंदा है कि जैसे हम घास की कटाई करते हैं या ये गोबर की खाद डालते हैं खेत में। तो मैंने आपके साथ कई बार ब्लॉग शेयर करे हैं। हम अपने गांव के परिवार की तरह मिलजुल कर ये जो बड़े बड़े काम होते हैं उनको निपटाते हैं, जैसे खेतों में खाद डालने का हो गया, घास कटवाने का हो गया। तो इसी तरह से सभी के ये काम करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने जने ये खेत में खाद डाल रहे हैं और एक बार खेत की जुताई कर दी है। अब हमारे पहाड़ों में हो रही है मक्की बीजने की तैयारी। तो पहले खेत में खाद डालेंगे और फिर इसको मिलाएंगे और बारिश के बाद फिर मक्की भी बीज देंगे। तो बूढ़े बच्चे जवान सभी लगे हैं। तो यहाँ पे हमारा हंसी मजाक भी चल रहा था। वीडियो की आवाज़ मैं ऐसे ही रख दूँगी और आप भी वीडियो का फुल एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो मौसा जी है नीचे, जैसे ये मेरे देवर जी है और ऊपर ये गांव का ही लड़का है, और जो ऊपर ये हमारे सिर के ऊपर रख रहे हैं खाद की टोकरी, ये मौसा जी है। तो इनकी उम्र कम से कम 75 वर्ष है। तो अभी भी इतना काम करते हैं गांव के लोग ऐसी उम्र में भी। तो मुझे माफ़ करना, मुझे वीडियो डालने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था और मेरे बच्चे बीमार हो गए थे, कल्पना और भारती, और साथ में प्रिंस और मीनाक्षी भी ऐसे ही चल रहे थे, इनकी तबीयत भी। तो 15-20 दिन इनकी हालत बहुत ख़राब रही और मुझे टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का। तो मैं कई दिनों के साथ ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। बीच बीच में ऐसे गिद्धे वगैरह की वीडियो डाल देती थी पर ब्लॉग एडिट करने का मुझे टाइम नहीं लगा। कैसे थाल लिया और सारे फेमस इस गांव में अभी तक इतनी एकता है, ये सारा काम इकट्ठा होकर करते हैं। क्यों ये तो ब्लॉग में आया था सभी ना करते सब फेमस लगे रहे। और देखो पायर पायर मार रहे अभी 70 साल के बुजुर्ग अभी देखो इतना काम कर रहे हैं। ये सभी इकट्ठे होना है ना, लकड़ी कटाने और सेजा सेठनिया और मतलब सारा काम इकट्ठा होकर करते सब है ना। परिवार में इतनी एकता है, बोलिए इधर हमारे गांव में, गांव में हमारे दो तीन गांव गिन मेरे से सत्युग का समय अभी बोलिए अभी अपने सब सब जगह खड़े तो ये है दूसरे दिन की क्लिप और आज है हमारे जवारी बोलते हम जिसको खेतों में खाद डालने की, जैसे मैंने कल वाली वीडियो शेयर करी थी। तो हम यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं
और ऐसे ही हमारे रिवाज है, जैसे जाते हैं तो चाय परांठा और फिर दिन को और खाना बनाते हैं, क्योंकि ये काम बहुत ही जोर वाला होता है और फिर भूखे नहीं रहा जाता, तो खाना खाना भी जरूरी होता है, तो हम यहाँ पे खा रहे हैं खाना। और खाने में बना था परांठा और दही और साथ में अचार, तो ऐसे ही थोड़ी सी क्लिप ये कल्पना ने ले ली थी और मुझे तो टाइम ही नहीं लगा वीडियो बनाने के लिए। तो बहुत ही आनंद आता है ऐसे काम करते हुए और खाना खाते हुए सभी के साथ। और ये है हमारे पहाड़ों का सुबह का नज़ारा, बहुत ही प्यारा सा, सूर्य देव जी भी निकल चुके हैं। और ये आड़ू लगे हैं हमारे यहाँ पे अभी छोटे छोटे, और ये है आम का बुट्टा और साथ में है केले का, और ये है हमारा खेत। तो एक ढेरी हमने ख़त्म कर दी थी और नीचे वाले, जैसे हमारे पास पशु बहुत ज़्यादा है और खेत कम है, तो हमने ठीक ही खाद फेंक दी मतलब खेत में, चाहे जानवर कुछ छोड़े हमारे लिए चाहे ना छोड़े, पर हमें अपनी मेहनत करनी है। तो यहाँ पे प्रिंस और मीनाक्षी भी ये थैली पकड़ाने का सहारा करवा रहे थे, क्योंकि आजकल टोकरियाँ बहुत कम मिलती है, तो जैसे ढोने वाले बहुत थे और भरने वाले दो तीन जने थे, तो जितने को हम फेंक के आते थे उतने को ये भर के रखते थे। तो जहाँ पे हम, जो मेरी वीडियो पहले से देखते हैं उनको पता है, जहाँ पे हम चरी बेचते हैं तो वहाँ पे हमने खाद फेंकी और उसके बाद अब यहाँ पे फेंकेंगे जो हमारा खेत है बड़े वाला। और बहुत ही अच्छा भी लगता है इकट्ठे काम करते हुए, और अगर हम अकेले ही फेंकते तो हमारे को एक महीना लग जाता है, ऐसे एक ही दिन में सारा काम ये वाला ख़त्म हो गया है फेंकने का। तो जैसे हमारे गांव में 10-15 परिवार है, तो सभी के एक एक दिन भी जाएंगे तब भी ऐसे थके मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो अकेले अकेले बहुत टाइम लगता है। तो देखिए बच्चों का कितना सहारा होता है, यहाँ पे प्रिंस कितनी हेल्प करवा रहा है और मीनाक्षी भी। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। यहाँ पे हम बैठे हैं आराम करने के लिए छाया में। ना 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 ना
मम्मी 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 तो देखिए हमने दो ढेरियाँ ख़त्म कर दी और तीसरी ढेरी में लग चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर फॉलो करें। तो अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसके बाद खाएंगे खाना और थोड़ी देर आराम करेंगे। और हमारे पहाड़ों में ऑर्गेनिक खेती की जाती है, हम दूसरी खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं।